कल्चरल साइकोलॉजी कल्चरल साइकोलॉजी इज अ फील्ड ऑफ साइकोलॉजी विच इज़ यूम्स द आइडिया दैट कल्चर कैन शेप पर्सनैलिटी एंड कल्चर एंड माइंड आर इंसेपरेबल कल्चर और माइंड को अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि कल्चर आपके माइंड के ज़रिए ही आपके पूरी शख्सियत और बिहेवियर में असरअंदाज होता है अब दुनिया में कोई यूनिवर्सल लॉज नहीं है कि दिमाग कैसे काम करता है हमारा माइंड कैसे काम करता है तो साइकोलॉजिकल थेरीज़ जो एक कल्चर में ग्राउंडेड होती हैं पाई जाती हैं तो वो लिमिटेड होती हैं अपनी एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से कि अगर हम वही थेरी किसी और कल्चर में जाके अप्लाई करें या उसके हिसाब से चीज़ों को देखें तो वो वहाँ पे उस तरह अप्लाई नहीं हो सकती तो कल्चरल साइकोलॉजी की जो रिसर्च है वो बहुत से फील्ड्स में आपको नज़र आएगी सोशल साइकोलॉजी में डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में और कॉग्निटिव साइकोलॉजी में कॉग्निटिव साइकोलॉजी माइंड परसेप्शन, लर्निंग मेमोरी को स्टडी करती है ब्रेन को करती है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी ज़िंदगी में पैदा होने से लेके बल्कि पैदा होने से पहले बच्चे की जो स्टेजेस होती हैं उसमें वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है और बुढ़ापे तक पहुँचता है इंसान तो उन सब स्टेजेस में जो कुछ हो रहा होता है कल्चर को उसके साथ मिला के देखा जाता है माइंड को भी परसेप्शन को भी लर्निंग को भी और सोसाइटी के अंदर जो माहौल है और जो रहन सहन है जो माशरत है उसको भी तो कल्चरल साइकोलॉजी की जो रूट्स हैं वो बहुत पुरानी नहीं है लेकिन बहुत नई भी नहीं है नाइनटीन और सेवेंटीज़ में ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हुई और शुरू हुई और नाइनटीन एटीज़ में ये प्रोमिनेंट हुई कल्चरल साइकोलॉजी आम तौर पे जो मेथड यूज़ करती हैं वो एथनोग्राफिक है होते हैं या एक्सपेरिमेंटल होते हैं यानी वो वही एक्सपेरिमेंट जो है वो इस तरह बनाते हैं कि वो ये देखें कि कल्चर के हिसाब से अगर आप इंसान की किसी बिहेवियर पे तजर्बा कर रहे हैं तो उसको कल्चर से कैसे उसका रिश्ता बनता है वो कैसे इफेक्ट होता है तो कल्चरल साइकोलॉजी इस चीज़ की स्टडी है कि कल्चरल ट्रेडिशंस एंड सोशल प्रैक्टिसेस जैसे रेगुलेट करती हैं यानी कंट्रोल करती हैं जैसे इजहार करती हैं और जैसे बदलती हैं ट्रांसफॉर्म करती हैं ह्यूमन साइकी को इंसानी नफ्स को और इंसानी नफसियात को तो इसलिए ये साइकिक यूनिटी ऑफ ह्यूमन काइंड को ज़्यादा स्टडी नहीं करती उसके मुकाबले में वो जो एथनिक डाइवर्जेंस है यानी जो एक ख़ास चीज़ से हट के लोग बहुत कुछ मुख्तलिफ कल्चर्स में कर रहे होते हैं माइंड में ये डाइवर्जेंस सेल्फ में और जज्बात में इस डेफिनेशन के हिसाब से कल्चरल साइकोलॉजी क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी से फ़र्क है क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजिस्ट कल्चर को इस तरह यूज़ करते हैं कि वो ये समझें कि मुख्तलिफ़ कल्चर्स में कॉमन बातें क्या हैं यूनिवर्सल्स क्या है और जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस की यूनिवर्सैलिटी है जो कि ग्लोबल है पूरी दुनिया में है उसको करते हैं कंपेयर करके जबकि जो कल्चरल साइकोलॉजी है वो ये देखती है कि लोकली कोई अगर प्रैक्टिस हो रही है किसी भी किस्म का कोई माशरत में बिहेवियर में रिश्तों में तो उससे हमारी नफ्सियात पे क्या असर पड़ रहा है तो ये यूनिटी के बजाय डाइवर्जेंस देख रहे हैं क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजिस्ट ऐसा सवाल पूछ सकता है कि पियाजे की जो डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं क्या वो मुख्तलिफ कल्चर्स में वेराटी ऑफ कल्चर्स में एक ही जैसी हैं क्या सब बच्चों को दो साल की उम्र में डायपर पहनने छोड़ देते हैं तमाम कल्चर्स में क्या तमाम कल्चर्स में बच्चे तीन साल की उम्र में गिलास भरा हुआ और खाली का फ़र्क समझ जाते हैं जो चीज़ छुपी हो उसको ढूंढ लेते हैं तो ये जो उसकी स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की मॉरल कॉग्निटिव सोशल इसको क्या तमाम कल्चर्स में इसी तरह बच्चे बड़े हो रहे होते हैं क्या बारह तेरह साल की उम्र में वो कॉन्शियस हो जाते हैं कि मैं लड़की हूँ वो लड़का है आ, और फिर वो उससे ज़रा बड़े होते हैं तो वो अपोजिट सेक्स की तरफ देखते हैं तो क्या ये तमाम कल्चर्स में हो रहा है ये क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी पूछेगी जबकि कल्चरल साइकोलॉजिस्ट जो है वो इसमें इंटरेस्टेड होगा कि कोई सोशल प्रैक्टिस है मसलन अर्ली मैरिज एक सोशल प्रैक्टिस है और वो किसी ख़ास कल्चर में हो रही है या कज़न मैरिज एक प्रैक्टिस है या जॉइंट फैमिली सिस्टम एक प्रैक्टिस है वो कॉगनेटिव प्रोसेस पे कैसे असरअंदाज होती है जैसे हमारे कल्चर में अगर माँ बाप और बच्चे और दादा दादी मिल के रहते हैं तो उससे हमारे ज़ेहन पे हमारे बिहेवियर पे हमारी सोच पे क्या असर पड़ता है अगर माएँ कहानियाँ सुनाती हैं तो उससे हमारे क्रिएटिविटी सोच वकीबलरी पे क्या असर पड़ता है किन तरीक़ों से असरअंदाज होते हैं तो ये वो फ़र्क है जो कल्चरल साइकोलॉजी और क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में है